हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा मंदी। पर लगा ये पौधे नहीं दिखेगा एक भी मच्छर। गर्मी के मौसम में तेज गर्मी के साथ घर पर मक्खी मच्छर आने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये दिखने में तो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, मगर इनके काटने से शरीर में जलन, खुजली और रेडनेस होने लगती है। साथ ही ये कई बीमारियों को फैलाने का काम भी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने आसपास तेजी से उड़ रहे इन मक्खियों मच्छरों से परेशान है, तो इन पौधों को लगाकर इस परेशानी से राहत पा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से इन्हें घर से भगाने का काम करेंगे, साथ ही इनसे पूरा घर सुंदर और खूबसूरत लगेगा। तुलसी। तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर है। इससे तैयार काढ़े का सेवन करने से मौसमी सर्दी, जुकाम, खांसी आदि से राहत मिलती है। साथ ही इसके पौधे को गार्डन या घर पर लगाना चाहिए। इसकी सुगंध से मक्खियां मच्छर दूर होते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों का रस निकालकर शरीर पर लगाने से घरेलू मक्खी, छोटे मोटे कीड़ों, चींटियों को भगाने में मदद मिलती है। जावा खास। ये भी मच्छरों को भगाने में काफी फायदेमंद होती है। इसके लिए इसकी कुछ पत्तियों को पीस ले, फिर उस रस को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। इससे मच्छर आपके आसपास भी नहीं आएगा। तीसरा, लेमन ग्रास। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसमें सिट्रोलेना नाम का केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल मच्छरों को घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। नीम का पेड़। नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियां, टहनियां और सूखी खाल, हर चीज बहुत ही फायदेमंद होती है। आप घर में मक्खियों, मच्छरों और कीड़ों को भगाने के लिए इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल गुण होते हैं। इसके अलावा इसका तेल भी शरीर पर लगाकर इस परेशानी से राहत पा सकते हैं। पुदीना। मिंट यानी पुदीना में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। औषधीय स्वरूप पुदीने के पौधे को घर पर लगाने से मक्खी मच्छर तेजी से दूर होते हैं, साथ ही पूरा घर इसकी खुशबू से महकता रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं।